आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों बड़ा इम्पोर्टेंट है आज है ह्यूमन किडनीज, ह्यूमन किडनीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है वो, क्योंकि किडनी के बारे में चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों जिस समय हम किडनी की बात करते हैं तो ब्रिक, मनुष्य के ब्रिक या क्या कहलाता है, एक गुर्दे कहलाते हैं जो है। अब आती है कि इसकी संख्या बच्चों दो होती है, लेकिन इसको वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या फायदा होता है कि आपके पास तक हर एक वीडियो जो है वो पहुँचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो परिचित यार होते हैं जिसमें कोई दूर बैठा हो तो वो वीडियो, हर एक वीडियो आपके परिचित बच्चों जो होता है ये पहुंचता रहेगा। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको जो है वो चाहे नेट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में जो होता है ये पूछा जाता है वो। तो अब आती है, चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन किडनी। तो मान ह्यूमन किडनी माने मनुष्य का ब्रिक या जो गुर्दा होता है ये, जैसा कि एक होता है जो किडनी होता है, संख्या में दो होते हैं। देखिए जो बनाया गया है ये आपका राइट किडनी हो गया और आपका जो होता है ये लेफ्ट किडनी होता है, माने दो किडनी होते हैं वो, दायां किडनी और जो होता है ये बायां किडनी होता है वो। और ये जो होता है गहरे लाल रंग के होते हैं वो, माने इनका जो कलर होता है वो गहरा लाल होता जो है वो। और इस सेम के बीच के आकार के होते हैं, देखिए सेम के बीच का आकार का है ये। अब आती है कि इनकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई जो होती है वह 10 से लगभग 12.5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, और चौड़ाई जो होती है 5 से 7.5 सेंटीमीटर, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर जो होती है इनकी मोटाई होती है वो, माने थिकनेस होता है वो। तो 10 से 12.5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इनकी जो होती है बच्चों ये मोटाई होती है। अब आती है प्रत्येक वृक्ष जो होता है पार्श्व की ओर का भाग जो होता है ये उठा होता है, माने देखिए यहाँ पर क्या है ये उठा होता है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं वो, माने ये भाग क्या कहलाता है ये कॉन्वेक्स या उत्तल भाग कहलाता जो है। अब आती है कि कॉन्वेक्स होता है और एक सुप्रानीडल, माने कि एक कॉन्वेक्स होता है वो। अब आती है कि जो इसके बाद इधर वाला साइड जो अंदर वाला भाग होता है, देखिए अंदर वाला भाग क्या होता है यह कॉनकेव, माने इधर वाला भाग क्या होता है यह कॉनकेव या क्या होता है ये अवतल होता है, माने इधर वाला भाग कॉन्वेक्स होता है, इधर वाला भाग क्या होता है कॉनकेव या क्या होता है ये अवतल होता जो है वो। अब होती है कि एक अधिवृक्क ग्रंथि, माने कि जो रीनल किडनी होती है इसके दोनों ऊपर, देखिए ये टोपी, यहाँ भी इधर टोपी दिखाई पड़ रहा है, इधर टोपी दिखाई पड़ रहा है, इसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड या इसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं जो है, इसे हम एड्रिनल ग्लैंड या इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं वो, अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। हालांकि बच्चों इससे हार्मोन निकलता है, क्योंकि इससे उत्सर्जन से मतलब उत्सर्जन स्क्रीटरी सिस्टम से एड्रिनल ग्लैंड का कोई इससे महत्व नहीं है, क्योंकि सुप्रानील ग्लैंड जो होता है एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और इसका एक्सक्रीशन से इसका कोई संबंध नहीं है जो। अब आती है कि अवतल भाग की, माने कि जो इसका अवतल भाग होता है, अवतल भाग ए भाग, तो की अवतलता को इसे क्या कहते हैं, इसे हम हिलस कहते हैं वो, माने अवतलता भाग क्या कहलाता है ये हिलस कहलाता है। अब आती है यह ब्रिक में एक गुहा में खुलती है जो है वो, जिसे कि हम रीनल साइनस कहते हैं वो, ये भाग क्या कहलाता है इसे हम रीनल साइनस भी कहते हैं जो है वो। अब आती है कि रीनल साइनस, अब आती है जो हिरस होता है इसमें एक रीनल आर्टरी, माने कि इसमें देखेंगे कि एक रीनल आर्टरी जाती है
और जो होता है इसी तरह से एक रीनल वेन होती जो है वो, तो रीनल आर्टरी क्या काम करती है कि प्योर ब्लड को ये क्या काम करती है, माने कि ब्रिक में ले जाने का काम करती है वो। और रीनल इसी प्रकार से होता है वो, रीनल वेन जो होता है, रीनल वेन जो होती है लसिका वाहिनी एवं यूरेटर जो होता है, ये ब्रिक कोटर से क्या होती हैं, ये बाहर निकलती हैं, एक एओर्टा महाधमनी होती है वो जो कि प्योर ब्लड को ले जाने का ये काम करती है वो। अब आती है यहाँ देखें धीरस पोर्शन से, ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पर यूरेटर या मूत्रवाहिनी होती है बच्चों, ये इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट यूरेटर माने कि बायां मूत्रवाहिनी, और राइट यूरेटर या दायां मूत्रवाहिनी कहते हैं। दायां मूत्रवाहिनी और बायां मूत्रवाहिनी ये क्या काम करती हैं, यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके यूरिन ब्लेडर या मूत्राशय में पहुंचाने का बच्चों से काम करती जो है वो। तो यूरिन ब्लेडर बच्चों एक थैली होती है वो, और इसी थैली में आकर के यूरिन जो होता है कलेक्ट होता है वो। तो अब आती है देखिए यहाँ पर क्या होता है, यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा होती है ये, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरिथ्रा या इसे क्या कहते हैं, इसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं जो है वो, यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग कहलाता है जो है वो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आती है कि जिस समय हम ब्रिकों की, जिस समय हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो खैर मतलब आउटर स्ट्रक्चर सब हो गया, जिस समय हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब आती है कि प्रत्येक वृक्क के, जैसे मान लीजिए किडनी हो गया, तो प्रत्येक वृक्क के चारों ओर जो है वो तंतुमय संयोजी ऊतक का एक महीन रीनल कैप्सूल होता है वो, एक महीन जो है रीनल कैप्सूल होता है, या इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क की खोल कहते हैं, जिसे छिलके की भांत जो होता है, जैसे नहीं छिलका निकालते हैं बीज का, उसे छिलके की भान जो होता है इसको सुगमता पूर्वक क्या करते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं जो है वो। अब आती है कि ब्रिक को जिस समय हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से इसको काटते जो है वो, तो इसका ऊतक अर्थात पैरेन्काइमा जो होता है, इसका पैरेन्काइमा दो अस्पष्ट भागों में बटा बच्चों क्या होता है, ये दिखाई देता है वो। अब आती है कि सतह की ओर ब्रिक खोल के नीचे का कुछ सकरा भाग अर्थात कार्टेक्स माने इधर जो बाहरी पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है वो, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कार्टेक्स या बलकुट कहते हैं जो है वो, कार्टेक्स। और ब्रिक के नीचे वाला पोर्शन जिसे मान लीजिए कि आउटर पोर्शन कार्टेक्स कहलाता है जो है वो। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये जो पोर्शन होता है इधर वाला नीचे वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो होता है इसको मेडुला कहलाता है जो है वो, माने दो भागों में बटा होता है, एक को हम बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं वो, और इसके नीचे क्या होता है, ये मेडुला होता है, तो शेष भाग मेडुला कहलाता है जो। अब आती है मेडुला भाग ही पूरा जो होता है यह 8 से लेकर 18, जैसे कि एक हो गया ऐसे, ऐसे यहाँ पर देखेंगे 2 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 4 हो जाएगा जो है वो। तो 8 से लेकर के ऐसे 18 इस सूची में जो होता है, लंबी सूची में शंक्वाकार से पिंडों में बटा होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम पिरामिड्स कहते हैं वो, ये जो होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसे हम पिरामिड्स कहते हैं। और पिरामिड्स का मोटा चौड़ा भाग इसके बेसल पार्ट में होता है वो, और यह जो बेसल पार्ट माने आधार की ओर होता है, माने कार्टेज की ओर होता है, और पिरामिड्स का शंक्वाकार भाग जो होता है ब्रिक पोर्टर में उभरा होता है जो है वो, और इसे जो होता है रीनल पैपिली माने ये जो पोर्शन जो नीचे और नीचे वाला पोर्शन जो शंक्वाकार होता है, ये पोर्शन जो है वो इसे क्या कहते हैं, इसे हम रीनल पैपिली कहते हैं वो, ये जो होता है रीनल पैपिली कहलाता है, रीनल पैपिली कहलाता है। अब आती है कि रीनल पैपिली ये वाला पोर्शन होता है जो है वो। अब पिरामिड्स के बीच बीच में कार्टेक्स के का ऊतक जो है वो सकरी स्टैंड के रूप में, यहाँ देखें सकरी स्टैंड के रूप में ब्रिक कोटर एक धंसकर पिरामिड्स को एक दूसरे से पृथक करता जो है वो, जिसे कि हम रीनल कॉलम्स माने ये जो बीच वाला पोर्शन यहाँ पर जो अलग करता है ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं
रीनल कॉलम्स ऑफ ब्रिटानाइन, इसे कहते हैं रीनल 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 कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई कहते हैं वो, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई कहलाता जो है वो। तो इधर हा किसके बारे में रहा, ब्रिकों की आंतरिक संरचना होता है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके बाद क्या होता है कि माने कि इसमें दो पोर्शन हो गया, कार्टेज पोर्शन हो गया और एक पोर्शन बच्चों क्या कहलाता है, ये मेडुला कहलाता है वो। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग होता है, जब इसकी बात करते हैं तो इसी ब्रिक में माने किडनी में जो होता है नेफ्रॉन्स होते हैं वो। तो अगली हेडिंग बच्चों आती है स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स, आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी आर रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स आर नेफ्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी और रीनल ट्यूब्यूल्स और इसे क्या कहते हैं वो, नेफ्रॉन्स कहते जो है वो। अब आते ही बच्चों जब इसकी बात करते हैं तो प्रत्येक ब्रिक का प्रमुख ऊतक अर्थात जो पैरेन्काइमा होता है वो, अर्थात जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा लगभग जो है 10 लाख लंबी महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल व ठोस पिंड होता है और इसे क्या कहते हैं हम, रीनल ट्यूब्यूल्स, या इसे क्या कहते हैं वो, नेफ्रॉन्स कहते हैं वो। अब आती है यह एक संयोजी ऊतक की थोड़ी सी मात्रा में परस्पर जो होती है ठसी होती है और इसे ब्रिकों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो होता है हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट, माने कि किडनी की क्या होती, मतलब कि किडनी जो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती जो है। अब आती है इन्हीं में जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जिससे उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ भरे रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, जिसमें एम्ब्रियोनिक बच्चों डेवलपमेंट होता है, माने कि जिसमें एम्ब्रियो जो होता है माँ के गर्भ में रहता है। तो भ्रूणी परिवर्धन में जितनी ब्रिक नलिकाएं या यूरिनरी ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स बन जाते हैं उतनी ही जीवन भर बच्चों इसमें रहती हैं वो, और वृद्ध काल में भी इनमें भी वृद्ध होती रहती है किंतु इनकी संख्या नहीं बढ़ती है वो, माने कि इनकी संख्या जो होती है नहीं बढ़ती है। वयस्क में तो जो नलिकाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती हैं और उसके स्थान पर भी नई नलिकाएं नहीं बनती हैं वो, नई नलिकाओं का फॉर्मेशन इसमें नहीं बनता है, अर्थात ब्रिक में, अर्थात इसमें ब्रिक के ऊतक में एक विशेष प्रकार की क्षमता, और इसे हम कहते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर, या इसकी क्या हिंदी होती है, पुनरुद्भवन, माने रीजनरेशन पावर की बच्चों क्षमता नहीं होती है वो। अब आते हैं कि जो प्रत्येक ब्रिक नलिका होती है इसके निम्नलिखित दो प्रमुख भाग होते हैं, माने इसके जो होता है दो प्रमुख, निम्नलिखित दो प्रमुख भाग होते हैं। एक को कहलाता है बोमेंस कैप्सूल, ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल नंबर वन, और नंबर सेकंड कहलाता है सेक्रेटरी कैप्सूल, सेक्रेटरी कैप्सूल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है जो है वो, तो अगले वीडियो में इसकी बात से लाइक करना भूलिएगा बच्चों, धन्यवाद।